अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं योका अमा के टायर के हवाले से रिव्यू कर रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद एहसन। आज मैं योका अमा के टायर में बिलो आर्ट और एडवेंट डीबी दोनों की प्राइस बताऊँगा और साइज़ के हवाले से मैं बात करूँगा। इन दोनों में आप जो फ़र्क पूछते ना कि इन दोनों में कौन सा टायर अच्छा है, बिलो आर्ट ES32 और एडवेंट डीबी V552 में कौन सा टायर अच्छा है और किस वजह से अच्छा है, मैं ये भी आपको एंड में बताऊँगा। और ये बिल्कुल फ्रेश स्टॉक है, या तो 2020 एंड होगा या 2021 बिल्कुल शुरू का होगा, मैं आपको वो भी चेक करवा दूँगा। ये देखें, सबसे पहले तो ये योकोहामा का टायर है, एडवेंट डीबी 1965R15 वाला टायर है, इंपोर्ट वाला है, शेक ब्रदर वाला। ये इंपोर्ट की चिट लगी हुई नज़र आ रही है। और ये एडवेंट डीबी का आप डिज़ाइन भी देख लें, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इस टायर का। और एडवेंट डीबी में दो तीन डिज़ाइन आते हैं, सबकी क्वालिटी सेम होती है, ये नए डिज़ाइन है बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट टायर होता है, ये एडवेंट डीबी है, ये 1965R15 वाला साइज है। और इस टायर की जो प्राइस है ना 1995 वाले एडवेंट डीबी की 17,000 रुपये का एक टायर है। और अगर यही साइज़ आप ब्लू अर्थ में लेंगे तो 13,000 रुपये का आपको मिलेगा, लेकिन वो शेख ब्रदर वाला नहीं, दूसरा वाला इम्पोर्ट होगा। और इसके पास है 1865R15, आप देख सकते हैं, ये एडवेंट डीबी है V552 1865R15 में इम्पोर्ट की चिट लगी हुई है और शेख ब्रदर वाला टायर है ये। और इसका भी वही सेम डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है 13,500 रुपये का एक टायर है ये योकोहामा एडवेंट डीबी, काफ़ी सॉफ्ट टायर होता है। अब है ब्लू अर्थ 1865R15 में, पहले एडवेंट डीबी दिखाया मैंने, अब ब्लू अर्थ दिखा रहा हूँ ES32। इसका भी आप डिज़ाइन देख लें आप, इसलिए ये भी बिल्कुल सॉफ्ट टायर होता है। और इसकी जो प्राइस है 1865R15 ES32 की 12,500 रुपये का एक टायर है, और एडवेंट डीबी मिलेंगे 13,500 रुपये का एक टायर है। उसके बाद है हमारे पास योकोहामा में इंपोर्ट वाला शेख ब्रदर की चिट लगी हुई है, और इंपोर्ट की चिट भी लगी हुई है 215/55R16 ब्लू अर्थ ES32 में आपको मिलेगा योकोहामा का टायर। इसका डिज़ाइन आप देख लें, ये सारे फ्रेश लोग हैं और बिल्कुल सॉफ्ट टायर होते हैं ये। इसकी जो प्राइस है ना योकोहामा ब्लू अर्थ की 215/55R16 की 19,000 रुपये का एक टायर है ये। ये जो भी आपको डिस्काउंट चाहिए हो इनमें आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो भी डिस्काउंट होगा आपको मैं व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह जैसे फ्री होंगे हम आपको दे देंगे। अब रही बात योकोहामा में और एडवेंट डीबी और ब्लू अर्थ में क्या फ़र्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये ब्लू अर्थ वाला डिज़ाइन है और ये एडवेंट डीबी। एडवेंट डीबी थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, और ये थोड़ा इसके मुकाबले में कम सॉफ्ट होता है। और एक कंपनी के मुताबिक जो कस्टमर का जो रिव्यू था ना, वो ये था कि कभी कभी हल्की सी आवाज़ आती थी ब्लू अर्थ में, और एडवेंट डीबी में ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। रबड़ के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से एडवेंट डीबी ज़्यादा अच्छा है, और इसमें बिल्कुल नॉइज़ की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए भी नहीं है। लेकिन कभी कभी आती थी ब्लू अर्थ में, कभी कभी मामूली सी आ जाया करती थी, लेकिन एडवेंट डीबी में ऐसा नहीं है। और ब्लू अर्थ से ज़्यादा सॉफ्ट है एडवेंट डीबी, क्वालिटी वाइज में बहुत अच्छा है। और इन जो जो काम है ब्लू अर्थ एडवेंट डीबी में आप टायर लेंगे, उन सबकी 1,00,000 किलोमीटर लाइफ होती है कंपनी की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान में 80,000 किलोमीटर रनिंग होती है। लेकिन इन सब में अच्छा एडवेंट डीबी V552 है, योकोहामा एडवेंट डीबी होना चाहिए, कोई सा भी ले ला, सारे अच्छे टायर होते हैं। शुक्रिया, जो भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पिछली वीडियो आपने योकोहामा की हमारी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। गुजारिश करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, रमज़ान का 14वां रोज़ा है, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।